जैसे ही त्यौहार आने लगते हैं हम सभी लोग बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं और मार्केट से ख़रीदते हैं। वही मिठाई बाज़ार जैसी आप घर में आसानी से बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए आप ज़्यादातर हमें चाहिए होता है मिल्क मेड यानी कंडेंस मिल्क। बाज़ार से छोटा सा टिन खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको एकदम सस्ते में मात्र दूध से घर में ही बाज़ार जैसा मिल्क मेड बनाना बताऊँगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि घर में बनाना कितना सस्ता पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए मेरी तो उसको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा पैन या बड़ी सी कढ़ाई, ले सकते हैं आप, फैला हुआ एकदम। अब मैं ले रही हूँ इसमें आधा लीटर दूध। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह एक लीटर दूध भी ले सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया है आप उसे दुगना करके इसमें डाल दें। अब इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल ले लेना है दूध में। आप यहाँ पर कच्चा दूध भी ले सकते हैं या बॉईल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। आपके घर में नॉर्मल जो भी दूध आता है वही यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। देखिए दूध में उबाल आ गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें 200 ग्राम चीनी डालूंगी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें, और गैस को मीडियम रखना है आपको। आप धीरे धीरे इसको चलाते रहें। अब आपको पता है त्यौहार आने वाले हैं, तो त्यौहार आने वाले हैं तो हमको मिठाइयाँ की मिठाई बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जिसमें कंडेंस मिल्क का ही यूज़ होता है तो आप इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखें, तो तुरंत ही आप फटाफट से मिठाई बना सकते हैं। इससे आपकी झटपट फटाफट से तैयार हो जाएगी मिठाई। और आप कंडेंस मिल्क की मिठाई बनाना चाहें तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, मैंने भी उसमें कुछ बताई है आपको कंडेंस मिल्क की। इसी तरह दूध को धीरे धीरे गाढ़ा होने देंगे। देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। ये हमारा तैयार होने वाला है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करके ही इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे एक चुटकी, और गैस को बंद करके ही डालना है हमको, नहीं तो इसमें दाने दाने पड़ जाएंगे। और जिसको कि बेकिंग पाउडर हमने जो डाला है उसको खाना सोडा भी बोलते हैं। अगर आपके इसमें लम्स पड़ जाएं तो आप ग्राइंडर में भी इसको चला सकते हैं, और अगर आपका पतला होता है तो थोड़ा सा गाढ़ा इसको और भी कर सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा दूध भी इसमें ऐड करके सही कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है, और इसको आराम से 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ये मेरा मार्केट का है और ये मैंने घर पर बनाए हुए सेम लग रहे हैं, देखो आप दोनों देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।